हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। एक्चुअली 2020 के अक्टूबर नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और अगर हम बिहार के चुनावी दंगल की बात करें, ये बिहार हो या यूपी हो, तो यहाँ के चुनाव में जातिवाद, परिवारवाद की चर्चा ना करें तो मतलब इसके बारे में वहाँ के आप राजनीति जान ही नहीं पाइएगा अगर आप वहाँ के जातिवाद के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव जाति पे ही चलता है। हालांकि मैं जातिवाद के चुनाव पे मीन्स मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये भारत की सच्चाई है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है बिहार में, अभी बिहार में बहुत हो हंगामा मचा हुआ है। विरोधी तो दूर की बात है, अपने भी अपनों पे वार करने लगे हैं। हाँ, एक्चुअली बिहार में दो गठबंधन है। हाँ, एक तरफ है एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी आती है, बीजेपी आती है जिसके केंद्र में सरकार है, और एक मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान की पार्टी आती है। हालांकि वो पार्टी प्रमुख की पोस्ट अपने सुपुत्र को दे चुके हैं, चिराग पासवान उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और एक तरफ महागठबंधन है। हालांकि मैं अब भी बोलता हूं कि अब ये महागठबंधन नाम की चीज नहीं बची है, क्योंकि इस महागठबंधन में एक बहुत बड़ी पार्टी जदयू छोड़ के एनडीए के साथ जा चुका है। फिर भी नाम अभी भी महागठबंधन है, उसमें आरजेडी के साथ राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव की पार्टी है, उनके साथ कुछ और पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस है और वीआईपी पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी है, और एक है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और एक है मांझी जी की पार्टी आवामी विकास मोर्चा। हम करके हैं, और भी एक अलग सेक्ट्स है जो कि कन्हैया कुमार बहुत सारे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कन्हैया कुमार की एक अपनी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, और पप्पू यादव यह अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, वो भी तोड़ तूफान से अपना सीटें जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। पहले आते हैं एनडीए के तरफ। एनडीए में क्या है कि सबसे बड़ी दल अभी विधायकों की संख्या के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके बाद बीजेपी का नंबर आता है, उसके बाद रामविलास पासवान की पार्टी को 0 सीट है, उनके पार्टी को कोई भी विधायक नहीं है बिहार में अभी। अब क्या है, इससे पहले क्या होता था, 2000 के समय से ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन 2015 में कुछ ऐसा परिस्थितियां बनी, नीतीश कुमार क्या किए, बीजेपी से अलग होकर लालू के साथ चले गए, अपने दूर विरोधी दुश्मन के साथ। हालांकि एक समय में वो राजनीति एक ही पार्टी में करते थे लालू और नीतीश, लेकिन समय के साथ वो दूसरे में चले गए। ठीक है, अब क्या है कि जब नीतीश कुमार उसमें चले गए, और बीजेपी को क्या है कि बिहार में साथियों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बिहार में जातिवाद की पॉलिटिक्स है, आप अपने सिर्फ कैडर से वोट नहीं जीत सकते हैं, वहाँ इलेक्शन सरकार नहीं बन सकती है। जमाना बीत गया जब अपने कैडर के साथ कोई सरकार बनाया हो। ठीक है, अब लालू यादव नीतीश कुमार की बात बोलें, 2015 में से पहले ये था, और 2015 से पहले जब नीतीश बीजेपी के साथ रहते थे तो नीतीश ज़्यादा सीटों पे लड़ा करते थे और बीजेपी को कम सीटें मिलती थी। नीतीश सीएम कैंडिडेट होते थे और सीएम बने भी 2005 के चुनाव के बाद से, लेकिन 2015 में वो चले गए बीजेपी की तरफ। जब नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ चले गए, 2015 में वो लालू के साथ मिल गए और बीजेपी के साथ छोड़ दिए, तो बीजेपी की हार हो गई यहाँ। हाँ, उस चुनाव से पहले बीजेपी को अपने साथियों को ज़रूरत पड़ा। हाँ, तो उसमें रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक की उस समय क्या हाल हो चुकी थी, क्योंकि आरजेडी के साथ एक बार वो साथ मिल के लड़े थे, और आप मानिए ना मानिए, आरजेडी के साथ जो भी पार्टी लड़ी है वो पार्टी अपना अस्तित्व बिहार में उनका ग्राफ गिरता गया है, और आरजेडी उनका फ़ायदा उठाई है।
क्योंकि कांग्रेस जब आरजेडी के साथ कंबाइंड किया था तो उसकी अच्छी खासी सीटें होया करती थी। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे 3-2, और पिछला बार 2015 में कांग्रेस की 27 सीटें 28 सीटें आई बिहार में, और रामविलास पासवान खुद भी सीट हार गए थे। तो रामविलास पासवान क्या है, एक तो धर्मनिरपेक्ष की बातें करते थे, इसी धर्मनिरपेक्षता पे इसी बीजेपी पे कटाक्ष करके सरकार गिरा दिए थे सेंट्रल में, लेकिन देखे कि अब कोई चारा नहीं है तो उनका सुपुत्र कहते हैं कि ये इन्होंने विचार दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, समय के साथ बदलता है। हाँ, लेकिन इस समय क्या है, वो बीजेपी के साथ कंबाइंड हुए, बीजेपी के साथ कंबाइंड हो गए और बीजेपी को एक और पार्टी मिली, हम मांझी जी की पार्टी, जो कि महादलित राजनीति करते हैं, हाँ बोलते हैं, हालांकि उनकी अपनी बेस कैडर कितनी है बिहार में वो सब जानते हैं लेकिन करते हैं। तो वो थी, इस तीनों मिलके ने चुनाव लड़ा। हाँ, और एक और थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और हम, ये सब बीजेपी के साथ लड़े थे। बीजेपी की डिफीट हो गई, हार गई बीजेपी। लेकिन जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव ये सब चुनाव जीते हैं तो बिहार की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि नीतीश कुमार फिर आगे एनडीए में। अब क्या है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हमें, हमारी पार्टी को सीटें ज़्यादा मिले, हाँ सीटें ज़्यादा मिले। और क्या है कि नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि हमें, हम बीजेपी के साथ हैं, पहले तो मिलता था लेकिन अब थोड़ा देश में परिस्थितियाँ बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है, हवा बदल चुका है, बिहार में अच्छी खासी मुस्लिमों की पॉपुलेशन है, 18%, हाँ 18% के करीब पॉपुलेशन है। तो पहले नीतीश कुमार को कुछ वोट मिलता था लेकिन आज की परिस्थितियों में किस हद तक वोट मिलेगा कोई नहीं जानता है, हाँ परिस्थितियाँ बदल चुकी है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो उनके भी धर्मनिरपेक्ष चेहरे पे दाग लगा है, विपक्ष ऐसा ही बोलता है उन्हें। तो नीतीश कुमार ने NPR और NRC बोला कि प्रस्ताव पास कर दिया कि बिहार में लागू नहीं होगा। ये नीतीश कुमार की अपनी बेसिक चीज़ें हैं कि हमें इसकी वोट मिले। हालांकि मैं इसके बारे में बात करूंगा, इससे इनको कितना वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन इसके पक्ष में मैं अपना पक्ष या विपक्ष में जो भी है मैं अपनी बात रखूंगा। हाँ, अब नीतीश कुमार को मेन, ये तीन पार्टी अभी भी NDA में है, एक है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी, दूसरी है नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, और एक है BJP भारतीय जनता पार्टी। अब क्या है कि पहले नीतीश ज़्यादा पे लड़ा करते थे, अब नीतीश को कहीं शक ऐसा है कि अगर हम दोनों साथ साथ लड़े और जब बीजेपी की सीटें कहीं हमारी इतना ना आ गई, मतलब बीजेपी की सीटें कहीं अगर 100-100 सीट पे लड़े और 40 सीट दे दिए उनको लड़ने के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में है 243 विधानसभा सीट, तो जो RJD के साथ जो पार्टी है, कुछ पार्टियां राजनीति में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो बाद में बीजेपी उनके साथ गठबंधन बना ले और अपनी CM कैंडिडेट बना ले, मतलब अपना CM बना ले और हमको दरकिनार कर दे। अब नीतीश कुमार चाह रहे हैं क्या कि हमें हर एक हालत पे, हम ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे नीतीश कुमार से, और बीजेपी चाह रही है कि इक्वल इक्वल जो भी है इक्वल सीटों पे लड़ेंगे, क्योंकि पिछला बार लोकसभा में भी नीतीश और बीजेपी इक्वल इक्वल सीटों पे लड़ी थी। अब रामविलास पासवान की, चिराग पासवान क्या है, बिहारी फर्स्ट यात्रा कर रहे हैं उनके जो चिराग पासवान हैं, और ये यात्रा के क्रम में वो सरकार पर अटैक भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार की नीतियों पर अटैक कर रहे हैं। और जब क्या है कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने जब उन पर हमला बोला तो उन्होंने क्या बोला कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, हम उनके साथ हैं। चिराग पासवान क्या है कि दबाव डाल रहे हैं कि कैसे भी करके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत की जाए, जितना ज़्यादा सीटें हम ले सकें इस गठबंधन से। ये तो हो गई NDA की बात, और आइए अब चलते हैं लालू की पार्टी में, मीन्स लालू का जो गठबंधन है, श्री लालू प्रसाद यादव का जो गठबंधन है उसमें आते हैं। लालू का जो मेन, लालू प्रसाद यादव का जो पार्टी है RJD, उसका मेन वोट बैंक है यादव, जो बिहार में लगभग 13% है, यादव और मुस्लिम, और उस मुस्लिम में से कांग्रेस की भी वोट मिलती है कुछ परसेंटेज। हालांकि अभी की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में और कांग्रेस में खिचखिच हो गई है, क्योंकि लोकसभा के समय RJD ने बोला था कि हम आपको 9 सीटें देंगे प्लस एक राज्यसभा की सीटें देंगे, बिहार में अभी 5 राज्यसभा की सीटें का चुनाव हो रहा है, लेकिन उससे खाते में अभी 2 सीटें जा रही है राष्ट्रीय जनता दल को। अब कांग्रेस ने बोला कि आप हमें अपना वो कराइए,
आप वादा किए थे कि एक सीटें देंगे तो एक सीटें हमको दीजिए, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल बोल रही है कि सीटें नहीं देंगे। हाँ, और राष्ट्रीय जनता दल ये भी चाहती है कि कांग्रेस के साथ ही रहें, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ने के अलावा। ठीक है, एक सिचुएशन आया है, हालांकि दोनों मान जाएंगे, सीट मिले ना मिले दोनों अलग होने वाले नहीं हैं, चुनाव साथ मिलकर ही लड़ेंगे। कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। ये क्या थे कि 2019 के चुनाव से पहले तक, लोकसभा के चुनाव से पहले तक केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे, राज्य मंत्री इनकी कोटा था और मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे। ये क्या है, राजनीति शुरू की है नीतीश की, नीतीश के साथ ही, नीतीश के बदौलत ही बोला जाता है कि इनका वो चमका शुरू हुआ स्टार्टिंग में, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की। लेकिन क्या है कि बिहार में जातिवाद की पॉलिटिक्स, और नीतीश की जिस जाति से आते हैं वो जाति बिहार में 4% के लगभग है, हाँ। लेकिन नीतीश कुमार ने बोला जाता है कि कुर्मी के एक उपजाति होती है कुशवाहा, कोयरी करके, वो लगभग 7-8% है बिहार में, उस जाति से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार बोला ये उपजाति है, और नीतीश कुमार ने इस लव कुश की संज्ञा दी, और उनकी मतलब कोयरी और कुर्मी की वोट इनको मिलता था, और नीतीश कुमार अपना दिमाग के बदौलत भी मुख्यमंत्री बना करते थे। अब कुशवाहा जी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम, उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम जो वो 8% है वो अपने तरफ करें कुशवाहा को, और हम एक बड़ा लीडर बने, उनकी महत्वाकांक्षा थी। लेकिन क्या था कि 2015 में जब ये सारी वो हुआ था तो बीजेपी और जदयू अलग अलग था, लेकिन जब जदयू आया बीजेपी में तब एक सिचुएशन यहाँ ऐसी बन गई कि अब एक मांड में दो शेर तो रह नहीं सकते, एक ही वोट बैंक पे दोनों को नज़र है, हाँ, कुशवाहा की भी नीतीश की भी, तो दिक्कत होगा कहीं ना कहीं, हाँ। तो उस इसलिए कुशवाहा क्या किए, यहाँ से अब बीजेपी और जदयू बीजेपी के लिए बड़ा है, हाँ, क्योंकि जदयू को पूरा बिहार में कहीं ना कहीं प्रजेंस जरूर है, कैडर है, और उसके ऑलरेडी मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री 15 साल से है जदयू की, हाँ, 10 साल से 2 टर्म से था तब की समय। तो नीतीश कुमार ने फाइनली, बीजेपी ने इनको ज़्यादा पक्ष लिया और उनको बोला, उनको कुछ सीटें कम देने के लिए बोला, और सीट की बात नहीं थी, मेन वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी कि कुशवाहा की वोट हमें मिलेगा, और ये चले गए आरजेडी के साथ, हाँ। अब आरजेडी के साथ गए तो पहले तो इनकी पार्टी को 3 सीटें मिली थी, हाँ, अब की बार क्या हुआ, कुशवाहा की पार्टी को 0 सीट मिल गई, ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, हालांकि अभी ये शांत है, आरजेडी पे उतना दबाव नहीं बना रहे हैं इसी के डर से, क्योंकि इधर से तो चले ही गए, कहीं उधर से भी ना चले जाए उपेंद्र कुशवाहा। और एक नई पार्टी बनी है, विकासशील इंसान पार्टी, हाँ, उस पार्टी के जो सरबरा हैं वो मल्लाह की बात करते हैं, मुकेश सहनी नाम है उनका, वो मल्लाह के रिजर्वेशन देना है ये कह के वो अपना पॉलिटिक्स चलाते हैं, पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, हाँ, और मांझी जी हैं, ये तीनों दबाव डाल रहे हैं, कुशवाहा तो कुछ हद तक अभी शांत है, मांझी जी हैं, ये दबाव डाले हुए हैं कि जितना ज़्यादा सीटें मिल सकी, क्योंकि एक मांड में ज़्यादा शेर नहीं रह सकता, एक ही शेर रहेगा, और ये भी बोलता है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, तो इधर महागठबंधन में बहुत सारे लोग हो गए हैं तो अपना सीट के लिए इधर ना उधर वो करेंगे, बट फाइनली रहेंगे इधर ही। और एक तीसरा है उधर मार्क्सवादी वाले, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, जिन्होंने पटना यूनिवर्सिटी का जो चुनाव था उसमें अध्यक्ष पद पे कब्जा किया। ये है कि यादवों को कुछ ना कुछ ये वोट काटेंगे, ये भले कि 1-2 सीटें जीते ना जीते जन अधिकार पार्टी वाले, लेकिन यादव का वोट काटेंगे, लालू को हानि पहुंचाएंगे, वो तो फिक्स है, हाँ। अब रहा मुस्लिमों की बात, तो ओवैसी की पार्टी ए एम आई एम ने पहली बार बिहार में लो एक विधानसभा की सीट जीती, हाँ, अब बिहार में एक विधानसभा की सीट जीती, तो अब है कि मुस्लिम का वोट कटेगा। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ कि अब जो भी हैं मुस्लिम लोग अब जानकार हो गए हैं, और वो कहते हैं जाग गए हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, भले उसके साथ कोई भी गढ़ पार्टी रहे उसको भी वोट नहीं देना है, जैसे दिल्ली में हुआ, कांग्रेस को भी वोट नहीं मिला, बहुत कम मिला, नहीं मिला जिसे आम आदमी पार्टी जीती। तो अब ये ओवैसी के पार्टी को सोचना कि अब विस्तार करेंगे हम अपनी पार्टी को बिहार में, ये कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि वो लोग आरजेडी गठबंधन को ही वोट देंगे, जैसा कि अब जो पैटर्न चल पड़ा है, ये झारखंड में भी ऐसा ही हुआ, झारखंड में भी हेमंत सोरेन वाले गठबंधन को ही मिला, ना कि ओवैसी की पार्टी को मिला। झारखंड में अच्छा चंक है मुस्लिमों का और बहुत सारे सीटों पे वो मेजोरिटी में है, उसी तरीका से बिहार में भी है, तो ओवैसी की अब मैं समझ रहा हूँ कि टेढ़ी खीर है बिहार में, अब कोई सीट जीत जाए,
क्योंकि आरजेडी गठबंधन को ही सीट मिलेगा, वोट मिलेगा मुस्लिमों को। और नीतीश कुमार के कितना मिलेगा, नीतीश कुमार के भी कंडीशन ख़राब है, मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा नीतीश कुमार का। और रहा कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार की जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है बिहार में, वामदल हैं, उनकी भी हालत ख़राब है। वो सीट एक आध जीत जाए तो जीत जाए, मुश्किल ही लग रही है। हाँ, भाकपा माले उसमें दीपांकर भट्टाचार्य वाला, वो एक दो सीट जीत सकती है, उनकी कुछ कंडीशन अच्छी है जहानाबाद की तरफ, वो कुछ सीटें जीत सकते हैं, मैं वो मानता हूँ। और कन्हैया कुमार कितना भी रैलियाँ कर लें, वोट नहीं आने वाला है उनको। हाँ, वो भीड़ तो जुटा सकते हैं, बोल तो सकते हैं, बिहार में जातिवाद चलता है। हाँ, और पप्पू यादव एक आध सीट जीत जाएँ या अपने जीत जाएँ तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को ये नुकसान पहुंचाएंगे। और ये क्या है, सीरीज है, चुनाव सीरीज है, और मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए जैसे जैसे बिहार का चुनाव नज़दीक आता जाएगा और क्या क्या सिचुएशन चल रहे हैं। थैंक यू। मेरा वीडियो, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको पसंद हो तो। थैंक यू, थैंक यू माई फ्रेंड। जय हिंद।